Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jirobe. So we have started the crash course on the KPWD, KPDCL, RRB, SSE for all the exams. These videos are helpful, so who are from the civil background they can use, right? So before going to start, so I am requesting all of you, please subscribe our channel and like, comment and share my videos, right? So today in this video we are discussing about the test on the stones. So what are the different tests on the stones? So वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बार आपको बोलता हूँ, आप लोग देख रहे हैं वीडियो बट लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टेस्ट ऑन द स्टोन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए देखिए, यहाँ पे टोटली इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वहां पे 9 टेस्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट? सो फर्स्ट टेस्ट है एसिड टेस्ट, एट्रिएशन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, स्मिथ टेस्ट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। सो दीज आर द टेस्ट एंड दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, कंसिडरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स दीज टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन्स, राइट? सो नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन दैट इज द एसिड टेस्ट। सो वॉट यू मीन बाय एसिड टेस्ट? सो एसिड टेस्ट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू टेक, राइट? फर्स्ट यू हैव टू टेक ए स्टोन ऑफ वेट 0.5 to 1 newton, राइट? सो 0.5 to 1 newton वेट यू हैव टू टेक फ्रॉम द स्टोन्स एंड यू हैव टू प्लेस इन सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ 1%, HCl ऑफ 1% फॉर द 7 days, फॉर 7 days, 1% फॉर 7 days। नेक्स्ट इज नो चेंजेस, ओके? फर्स्ट आफ्टर प्लेसिंग द स्टोन्स इन द HCl सॉल्यूशन आफ्टर 7 days यू हैव टू ऑब्जर्व द स्टोन्स, ओके? ओवरऑल व्यू और ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द स्टोन्स विल नॉट बी वेरी व्हेन यू कलेक्टेड दैट मटेरियल, ओके? जो भी आपका मटेरियल है, जैसे आपने कलेक्ट करके बिफोर टेस्टिंग उसको देखा था, बिफोर टेस्टिंग उसको मेजर किया था, वो वैसे ही रहना चाहिए। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ, ओके, सरफेस के ऊपर कुछ कलर आया, कुछ डायमेंशन चेंज हुआ या उसका टेक्सचर कुछ भी चेंज हुआ, तो वो गुड क्वालिटी स्टोन नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, ओके? ये सिंपल है, राइट? सो दिस इज अबाउट द एसिड टेस्ट। नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट, द सेकेंड वन इज द एट्रिएशन टेस्ट, एट्रिएशन टेस्ट, राइट? सो व्हाई वी हैव टू कंडक्ट द एट्रिएशन टेस्ट? टू नो द वियर एंड टीयर ऑफ द स्टोन्स, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वियर ऑफ द स्टोन्स, ओके? फाइंड आउट द वियर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्टोन्स एंड इस टेस्ट से आपको इंडिकेट क्या करता है? सो रेजिस्टिंग पावर ऑफ द स्टोन्स, राइट? रेजिस्टिंग पावर ऑफ द स्टोन्स, सॉरी ये अंडर आना चाहिए, अंडर ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है? कैसे भी ट्रैफिक कंडीशन है तो वो रेसिस्ट कैसे करता है स्टोन्स आपका, तो वो हम इस टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो इस टेस्ट का क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पे देखिए, तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट है। सो एट्रिएशन टेस्ट मशीन बोलते हैं इसको, यहां पे 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये कैसे कनेक्ट करना आप देख लीजिए, जैसे आपको सैंपल लेना चाहिए और इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पे, सो रेजिस्टिंग पावर ऑफ द स्टोन्स अंडर द ट्रैफिक कंडीशंस एंड कंसीडरिंग दिस वन, आफ्टर फर्स्ट यू हैव टू टेक इनिशियल वेट एंड द फाइनल वेट, राइट? सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वियर, दैट इज द लॉस इन वेट, मीन्स फर्स्ट आपको वेट लेना चाहिए फॉर एग्जाम्पल 5-6 और इनिशियल लॉस, इनिशियल वेट हो गया, लॉस इन वेट बोले तो कितना आपका मटेरियल बच गया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, राइट? आपको मिलेगा परसेंटेज ऑफ पीआर। सो दिस इज अ फॉर्मूला, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ फॉर्मूला, आई एम टेलिंग हियर दिस इज अ फॉर्मूला, द परसेंटेज ऑफ पीआर लॉस इन वेट यू हैव इनिशियल वेट इंटू 100, सो आंसर विल बी इन परसेंटेज एंड फॉर ए गुड स्टोन इट शुड बी लेस देन 3%, राइट? एट्रिएशन टेस्ट व्हेन यू कंडक्ट इट एंड द वेयर शुड बी लेस देन 3%, यू हैव टू रिमेंबर 3% रहना चाहिए, आपको अच्छा याद रखना होगा, ठीक है?
सो नेक्स्ट चले और नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। ये तो अट्रिशन टेस्ट मशीन है, आप देख लीजिए आपको याद रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन। सो क्रशिंग स्ट्रेंथ कैसे कंडक्ट करते हैं, फर्स्ट वो देख लीजिए। द सैंपल स्टोन साइज 40 mm × 40 × 40 mm साइज। सो सैंपल का जो साइज है, राइट, 40 × 40 × 40 mm साइज रहता है और इसको आप 72 आवर्स क्या है वाटर में इमर्स करके रखना चाहिए बिफोर टेस्टिंग। आप टेस्टिंग करने से पहले इसको क्या है 72 आवर्स वाटर में डिप करके रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना टेस्ट करना है आपको, 3। तो आपको निकालना कैसा है देखिए। सो सैंपल स्टोन साइजेस 40 40 40, ये जो लेते हैं आप, ओके, लेके एक मोल्ड में डाल के आप उसको 72 आवर्स होने के बाद, ठीक है, उसको मोल्ड के साथ आप सीटीएम मशीन में रखना है। इसको सीटीएम बोले तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रख के आपको इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालना है। लोड बाय एरिया करेंगे तो आपका क्या है आंसर आ जाएगा, दैट इज द स्ट्रेस यू आर अप्लाइंग ऑन द मटेरियल, राइट। सो दैट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन द स्टोन्स, राइट। सो नंबर ऑफ क्यूब्स यू हैव टू कास्ट 3 एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 100 Nm/mm². ओके, सो लास्ट वीडियो में मैं आपको बोला था क्रशिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट टाइप के जो भी रॉक्स है उसका लिस्ट आउट किया है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी क्या है इसमें ऑलरेडी क्या है लिंक शेयर किया, सो वहां पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी वीडियो में मैं बोलने का भूल जा रहा हूँ इसलिए अभी वीडियो के बीच में बोल दिया, सो सॉरी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। नेक्स्ट इंपैक्ट टेस्ट। सो इंपैक्ट टेस्ट क्यों करते हैं वो देख लीजिए फर्स्ट, राइट। सो टू नो द टफनेस ऑफ द स्टोन, राइट। इंपैक्ट टेस्ट वी कंडक्ट टू नो द टफनेस ऑफ द स्टोन, राइट। टू नो द टफनेस मीन्स दैट इज यूजिंग द इंपैक्ट मशीन, देखिए यहां पे, राइट। सो दिस इज द इंपैक्ट मशीन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट। सो दिस इज द लिफ्टिंग हैंडल, दिस इज अ हैमर ऑफ 132 Nm × 137 Nm वेट, राइट। सो दिस इज 132 Nm एंड दिस आर द वर्टिकल बार, कप ऑफ 102 mm डाया, हाइट 50 mm एंड दिस इज द कप वेर यू हैव टू प्लेस योर सैंपल। यहाँ पे आपका सैंपल रख के आपको ये जो हैमर है इसको यहाँ से फ्रीली फॉल करेंगे विद दिस वेट 132 to 137। बोलते आप जब आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 14 kg तक आएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। तो इसको आप फ्रीली फॉल करके ये डायरेक्टली आके इसके ऊपर गिरेगा, राइट। तो क्या है इंपैक्ट होएगा, ऐसे ही आपको 15 ब्लोज देना है, उसके बाद आपको क्या है सीव में जाके सीव यूज करके मटेरियल सीव करके आपको इंपैक्ट परसेंटेज इंडेक्स निकालना है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, आप देखते हैं राइट इंपैक्ट टेस्टिंग का जो आपको आंसर आएगा, राइट। सो इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन आपको मालूम हुआ, राइट। टफनेस इंडेक्स इफ इट इज बिटवीन 13 से 19 आया तो वो मॉडरेट टफ हो जाएगा, राइट। अगर इफ इट इज मोर देन 19 से ज्यादा आया तो वो हाई टफनेस हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में आपको वैल्यूज ही पूछते हैं, राइट। इफ इट इज 13 to 19 मॉडरेट टफ, इफ इट इज मोर देन 19 हाई टफनेस, राइट। हो गया, तो ये हो गया इंपैक्ट टेस्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हार्डनेस, राइट। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका स्केच भी है किस मशीन से हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं स्टोन्स के लिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये है इसका हार्डनेस टेस्टिंग का मशीन है, तो आप देख सकते हैं। सो हार्डनेस, टू नो द हार्डनेस ऑफ द स्टोन परफॉर्म सिंस, इस मशीन का नाम है डोरेस टेस्टिंग मशीन, आपको याद रखना होगा बिकॉज टेस्टिंग के नेम्स भी दे सकते हैं आपको। डोरेस टेस्टिंग मशीन इज यूज टू फाइंड आउट, बल्कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप जब आप सेलेक्ट करना है आपको हार्डनेस, राइट। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट कैसे करना होगा और इसको टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जो आपको मशीन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है एक फॉर्मूला है, इसको भी इनिशियल वेट और फाइनल वेट यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय 3,
that 20 minus loss in weight divided by 3, and hardness should be 12 for road work. अगर 12 आया तो आप रोडवर्क को यूज करना है तो 12 आना चाहिए. अगर लेस देन 12 रहा तो आप रोडवर्क को यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस बोलते हैं, राइट. सो अगर मोर देन 17 कुछ भी रहा तो वो क्या है, कुछ भी पेविंग वर्क के लिए हम यूज करते हैं. तो ये हो गया हार्डनेस टेस्ट. सिंपल आपको समझना है, बहुत ही डीप मत जाइए, जस्ट आपको सिंपल याद रखना है टेस्ट क्या है और इसके नाम्स क्या है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट, राइट. सो वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट आई थिंक यू नो ऑलरेडी ऑल ऑफ यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस वन, देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, राइट. सो फॉर वाटर अब्सॉर्प्शन यू हैव टू टेक 0.5 न्यूटन वेट क्यूब इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स. तो 0.5 न्यूटन, ओके, तो हाफ के जी जो है, ठीक है, हाफ के जी समझ लीजिए, ठीक है, 9.81 हो जाएगा, फिर भी 0.5 के जी कितना होता है, उतना आप क्या है आपका जो स्टोन्स है उसको वाटर में इमर्स रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू टेस्ट 24 आवर्स इमर्स होने के बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं. अगर टेस्ट कल करना है तो आज ही आपको 24 आवर्स इमर्स करके रखना चाहिए. तो ये क्या निकलता है, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. सो इसको कैसे करना है, देखिए फर्स्ट आपको क्या है, वाटर में डिप करके रखना है, उसके बाद जूट बैग जो रहता है, ओके, उसमें सॉरी जो उसमें जो बकेट रहता है उसमें आप करके आप देख सकते हैं, ठीक है. तो परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी लेस देन 0.6%. तो इसको कंडक्ट करना कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बकेट रहता है ऐसा, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके यहीं पे बता देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसा एक बकेट रहेगा जो मेश के जैसा रहेगा, राइट. आपको क्या है, ऐसा एक नीचे क्या है, ये रहेगा कंटेनर, ऐसा इसको बैलेंस रहेगा ऊपर, राइट, वेट के लिए. इसको आपको वाटर पे, यहाँ पे वाटर रहेगा, वाटर लेवल, इसको विथ दिस सैंपल आपको यहाँ पे डिप करके इसका वेट लेना होगा, उसके बाद विदाउट स्टोन्स आपको फिर से वेट लेना होगा. जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है, ये सिंपल टेस्ट है, राइट. तो ये वैल्यू कितना रहना चाहिए, लेस देन 0.6%. इफ इट एक्सीड, नॉट फिट फॉर एज अ बिल्डिंग स्टोन. अगर एक्सीड होता है तो ये आइडेंटिफाई क्या करता है, तो ये ज्यादा अगर मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा तो जो सीमेंट में जो है वॉटर उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसीलिए 0.6% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है. तो नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट. तो ये क्यों करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, देखिए. सो यूजिंग माइक्रोस्कोप इसको हम कंडक्ट करते हैं टू नो द प्रेजेंस ऑफ पोर्स एंड फिश्यूर्स, दैट इज अ पार्टिकल्स, एनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंस, एंड द टेक्सचर ऑफ द स्टोन. टेक्सचर बोले तो सरफेस इसका कैसा रहेगा, सरफेस इसका कैसा है स्टोन्स का. नेक्स्ट, एंड द मिनरल कंस्टिटेंट्स एंड एनी हार्मफुल एजेंट एज वेल एज द ग्रेन साइज. ग्रेन साइज कैसा है इसका, जब ये क्रैक होगा उसका ग्रेन साइज कैसा दिखेगा और कैसा आएगा. तो ये भी एक सेमी इंपॉर्टेंट के जैसा टेस्ट है, फिर भी ये कंडक्ट करते हैं, आपको चुप याद रखना है, ठीक है. सो नेक्स्ट टेस्ट इज स्मिथ टेस्ट. ये भी एक सिंपल टेस्ट है, इसका कुछ भी नहीं, एक ही देखिए, टू परफॉर्म टू नो द सॉल्युएबल मैटर्स इन द स्टोन, राइट, टू नो द सॉल्युएबल मैटर्स इन द स्टोन, इतना ही याद रख कीजिए, बिकॉज इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टू नो द सॉल्युएबल मैटर्स इन द स्टोन विच टेस्ट यू विल कंडक्ट, राइट, दैट इज द स्मिथ टेस्ट यू हैव टू कंडक्ट. नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे कंडक्ट करते हैं, आपको मालूम है, आपको फिगर यहां पे दिख रहा है, देखिए. सो दिस इज एन पाइक्रोमीटर, राइट. सो दिस इज एन पाइक्रोमीटर. यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट और यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी आर टू कंडक्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन, राइट. सो यूजिंग द पाइक्रोमीटर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन देखिए, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टोन टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वॉटर, राइट. सो ये भी डेफिनेशन आपको याद रखना होगा. और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना रहना चाहिए स्टोन्स का, इट शुड बी मोर देन 2.7, राइट. अगर कम है तो इसका क्या है, यूनिट वेट कम हो जाएगा, उसमें डेंसिटी जो हम बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी जो हम बोलते हैं इसमें कम हो जाएगा, राइट. सो इट शुड बी मोर देन 2.7, राइट, एंड इट इंडिकेट द डेंसिटी ऑफ द स्टोन्स. 2.7 जो इंडिकेट हमको करता है
ये डेंसिटी इंडिकेट करता है, अगर लेस है तो लाइट वेट हो जाएगा तो जल्दी ही क्रैक हो जाएगा। एंड ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इंडिकेट्स द व्हाट हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट्स हेवियर स्टोन विथ लो पोरोसिटी, राइट, इट इंडिकेट्स हेवियर स्टोन विथ लो पोरोसिटी। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन द स्टोन्स, राइट। सो प्लीज गाइज लाइक माई वीडियोज, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट लाइक और शेयर कीजिए। इसमें कुछ भी आपका क्या है नुकसान नहीं है, आप ये तो आपका ही फायदा है, ठीक है। यू ऑल विल बेनिफिट इफ यू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज, राइट। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा जो भी चैनल है सिविल विद सुधीर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल, एल्लरिगू नमस्कार।